140 की स्पीड में गाड़ी चलाकर रजत दलाल ने अपना करियर तो खत्म कर लिया, पर पीपॉय ने रजत दलाल को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। फिलहाल सभी लोगों को पता है कि रजत दलाल ने पुलिस के पास जाकर सरेंडर किया है। रजत दलाल का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल गया था जहाँ पर वो कार चला रहे थे एक लेडी को लेकर, और वो बहुत ज्यादा तेज चला रहे थे 140 की स्पीड में, जिसके ऊपर जनता बहुत ज्यादा भड़की थी। पर पीपॉय ने अब रजत दलाल को पूरी तरीके से एक्सपोज किया है। एक्चुअल में क्या बोला है देखो इस वीडियो क्लिप में। सामने बैठी हुई थी फ्रंट सीट पे वो रजत दलाल की क्या लगती थी, कुछ नहीं, वो दोस्त नहीं थी, वो एक सेल्स गर्ल थी। आप हैरान रह जाएंगे कि गाड़ी भी रजत की नहीं थी जो वो चला रहा था। दिस वॉज अ फोक्सवैगन शोरूम्स कार जो वो ट्रायल पे चला रहा था। वो था ना कि आपको कोई कार खरीदनी होती है तो आप ट्रायल पे चलाते हो, और आप समझिए इस चीज को कि क्यों वो इतनी रेकलेस ड्राइविंग कर रहा था उस लड़की को बिठा के, क्योंकि कार उसके नाम पे नहीं थी। अगर कुछ हो भी जाता, बाइकर को चोट लग जाती, किसी और को चोट लग जाती, तो उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बिकॉज कार उसके नाम पे थी नहीं। मैं चाहता हूं कि उस बाइकर का पता चले, वो बाइकर सामने आए, पुष्टि हो, और पुष्टि वो सेल्स गर्ल कर सकती है।